लॉकडाउन में भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सीतापुर जिले की महमूदाबाद कोतवाली का है, जहां बाबूपुर गांव स्थित एक पेट्रोल पंप पर हथियारबंद लुटेरों ने चौकीदार और सेल्समैन को बंधक बना लिया और 25,700 रुपए की नकदी सहित दो मोबाइल फोन भी लूट ले गए। लूट की इस घटना से पुलिस की गश्त पर सवालिया निशान लग रहे हैं। वहीं लूट की घटना पर एडिशनल एसपी महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि घटना के खुलासे के लिए टीम गठित कर दी गई है, जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। एक आदमी सर इधर से आया था, ठीक है ना, मुंह बांधने से तोलिया से अंगूठा से, हम अंदर थे तो हम सोचा कि साइकिल उठा ले, नहीं तो आया है तो साइकिल उठा ले, बाहर खड़ी थी यहाँ बाहर अगर ताला की एक ठिलिया खड़ी थी, तो निकले बाहर तो वो दीवार के बाहर कूद गया। कूदने के बाद हमने कुदार उठाई रखी थी यहाँ पे, एक तो कुदार ले गए साइड में खड़े होते उसके खड़े हुए थे, हमसे भाग गया होगा, फिर वो नीचे बैठा था, जब उठे तो जो दराज होती ना वो उसमें नली यहाँ लगा दी, और तीन आदमी सर जहाँ पर पंजाई में सूख रही ना वहाँ बैठे थे, वो तो तीनों बुला लिया जल्दी, वो भाग के आए हमको पकड़ लिया। फिर क्या हुआ हमको यहाँ लाए, दोनों आदमी को वहाँ बंद कर दिया। बंद करने के बाद एक फिर आए यहाँ पर, सब बिछौना उछना उलझ जा रहा, ठीक, उसके बाद फिर हमको ले गए दोनों आदमी को, तो वहाँ से इनको लाए राहुल को, हमको वहाँ बंद कर दिया। फिर राहुल ने कुंजी उंजी उनसे मांगा, मारपीट कर दिया इनने बेचारे, तो दरवाज़ा खोला ही वाला। कितने लोग थे? चार। क्या क्या था उनके पास? कुछ एक बार इतना बड़ा कट्टा हड्डी टाइप का था, लंबा था, और एक तीन दो छोटे छोटे थे, और एक साबड़ था वो लोहे का मोटा था। क्या 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 सामान आपके यहाँ से गया? इसके बारे में डिटेल ये दे सकते हैं मैनेजर के बाद। पूरा मामला ये हुआ सर, चार लोगों थे, एक लोग सर आगे से आए, आगे से जब आए तो हमारे यहाँ चौकीदार जाग रहे थे, चौकीदार जब देखा तो वो लोग आगे जो एक लोग आए थे वो बाउंड्री फांद के उसी पार लुक रहे हैं। जब ये वहाँ कुदार उठा के गए तैसे इनको इनके ऊपर तमंचा लगा दिया, इन्होंने हमें जगा के गए थे, इनके पीछे पीछे हमने भी चले गए, तो हमसे भी कहा कि तुम बैठ जाओ ना तुम्हारे हम भी गोली मार देंगे, तो हम दोनों लोग बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने अपने साथियों को बुलाया, साथियों को जब बुलाया तो हम लोगों को दोनों लोगों को लैटरिंग में ले गए, हमारी पहले तलाशी ली, हम लोअर पहने थे, कुछ नहीं निकला, जब कुछ नहीं निकला उसके बाद किशोरी चाचा को अपने इस रूम में लाए, जब इन्हें रूम में लाए उन्हें उसके बाद हमको भी लाए रूम में, जब रूम में लाए तो किशोरी चाचा को वहाँ फिर ले गए, तो वो लोग चाबी ढूंढ चुके थे, चाबी ढूंढने के बाद हमारे ऊपर तमंचा लगा लिया, फिर तमंचा लगाने के बाद उन्होंने कहा कि शटर खोलो अभी किया हम तुम्हें मार देंगे, तो हमें चाबी दिया, एक दिन रेलवा है तमंचा लगाया रहा, तो फिर शटर हमने खोला, तो शटर खोलने के बाद एक कोने में हमें बैठा दिया गया, एक आदमी हमारे उस पर रिवॉल्वर, दो आदमी छानबीन, एक आदमी बाहर था। उसके बाद छानबीन करने के बाद उन्होंने चाबी ढूंढ लिया, चाबी ढूंढने के उपरांत उन्होंने दोनों लॉकर खोल कर रुपया कैश पूरा ले गए, फिर हमें बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद जिसमें हम लेटे थे उसमें ले गए हमें, उसमें लेटने के उपरांत उन्होंने पूछा कि आपने कितना शाम टाइम बेचा थे, तो हमने कहा हम शाम टाइम कुछ बिकाने, तो उन्होंने बिस्तरा चेक करने लगा तो उसमें 700 रुपये निकले, वो भी ले लिए सर। उसके बाद फिर हमें इसी रूम में ला करके हमें बंद कर दिया, बंद करने के बाद शटर गिरा दिया, पूरा शटर बंद कर दिया। उसके बाद चार पाँच मिनट इसी जगह पे कुछ बोले चाले, तो उसके बाद चले गए सर। उसके क्या, बाद क्या क्या सामान गया है यहाँ से? सिर्फ रुपये ही गए। कितना रुपया? 25,000। कितने लोग थे? चार लोग थे सर, चारों लोगों पर तमंचा था, सिर्फ एक एक के पास एक हाथ कती भाली थी और दो छोटे वाले थे, एक बड़े वाला तमंचा था। आज रात्रि में करीब 12 बजे एक महमदाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाबूपुर ग्राम के पास में एक बायोफ्यूल का फिलिंग स्टेशन है, वहाँ पर कुछ बदमाश जो है वहाँ पर आकर के वहाँ पर चौकीदार और उसके जो सेल्समैन था उसको बंधक बना करके और वहाँ पर उन्होंने लूटपाट की, और इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर सभी अधिकारीगण वहाँ मौके पर निरीक्षण कर लिए हैं और इस घटना के खुलासे के लिए जो है टीम गठित कर दी गई है और इस घटना का शीघ्र खुलासा कर दिया जाएगा। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।